नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की, आज हम बात करेंगे अम्लता की, एसिडिटी की, क्योंकि वर्तमान में सांस्कृतिक मानव संस्कृति की दौड़ में इतना आगे निकल गया है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि एक बहुत बड़े मानव शास्त्री एल क्रोबर ने इस बात को कहा था कि जिस आदमी ने, या मानो आप कह सकते हैं, संस्कृति बनाई थी, वही संस्कृति बाद में मानव को इतना गवर्न करने लगी कि वह संस्कृति सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारे बीच में स्थापित हो गई। और आज स्थिति ये है कि हम एक सांस्कृतिक मानव बने रहने के विवशता में इस समय को पाते ही नहीं हैं कि हम यह जान पाएं कि हम जिस मानव शरीर को लेकर खड़े हैं, उस मानव शरीर में हम डाल क्या रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे गैस की बात किया था, इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं एसिडिटी की, अम्लता की। आप जानते हैं कि कोई भी द्रव हो, खासतौर से जैसे पानी है, पानी की जो pH वैल्यू है, प्रेफरेंशियल हाइड्रोजन जो होता है, उसकी pH वैल्यू 0 होती है। एक स्केल है जिस पर pH को डिफाइन किया गया है, जहाँ पानी को बिल्कुल उदासीन माना गया है, उसकी बाईं तरफ स्केलिंग की गई है जो 7 से लेकर 1 तक का होता है, और उसकी दाईं तरफ 7 से ऊपर 8, 9, 10 तक 14 तक होता है। जो दाईं तरफ के द्रव हैं वह सभी क्षारीय होते हैं, जो बाईं तरफ के द्रव हैं वह सभी अम्लीय कहलाते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो रक्त है उसकी pH वैल्यू है 7.34, मतलब वह कुछ क्षारीय है, लेकिन हमारे मुँह में जो खाना खाते ही सबसे पहला एंजाइम मिलता है जिसे अप्टाइलिन कहते हैं, वह थोड़ा अम्लीय है क्योंकि वह 6.8 होता है। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सुबह से लेकर शाम तक अब आदमी इस संतुलन को जान ही नहीं पा रहा है कि उसके शरीर में कितना अम्ल और कितना क्षार जा रहा है, या सीधे सीधे सपाट स्वरों में कहें तो वह सिर्फ अम्ल खा रहा है। चाहे आप चाय पी रहे हैं, चाहे दाल मोठ खा रहे हैं, चाहे बिस्कुट खा रहे हैं, चाहे पकौड़ी खा रहे हैं, चाहे तेल खा रहे हैं, चाहे डालडा खा रहे हैं, चाहे रिफाइंड खा रहे हैं, चाहे आप दाल खा रहे हैं, सब कुछ में अंत में आप अम्ल ही पाते हैं। चाहे आप कोई फल खाते हैं वह भी अम्ल होता है। इस तरीके से हमारे शरीर में जो कुछ भी पहुंचता है वह अम्ल ज़्यादा पहुंचता है, और अगर एक स्थिति से ज़्यादा हमारे शरीर में अम्ल हो जाएगा तो मानी बात है वह अपना प्रभाव डालेगा। सबसे ज़्यादा अम्लीय स्थिति जो हमारे शरीर में होती है वह स्टमक में होती है, जिसमें जो एसिड होता है, जो खासतौर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी pH वैल्यू जो है वो 1.2 होती है, जो करीब नींबू के रस के बराबर है या उसकी सांद्रता के बराबर है। अब अम्ल का काम है खाना पचाना, लेकिन हमारे शरीर में ही अम्ल कई कारणों से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हमें खाना खाने के बाद जलन होती है, हमें अपने पेट में जलन होती है, हमें हमारे गले में जलन होती है, हमें बहुत डकारें आती हैं। तो इसकी दो स्थितियां हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। एक तो उन लोगों की स्थितियां हैं जिनका गाल ब्लेडर निकाल दिया गया है, गाल स्टोन जिनको हो जाता है। गाल स्टोन का मतलब है कि जिनमें खासतौर से कोलेस्ट्रॉल और बाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो कालांतर में स्टोन के रूप में फॉर्म हो जाता है, और उस स्टोन को निकालना मुश्किल होता है क्योंकि हुक जैसी संरचना वाला जो बाइल डक्ट होता है उसको निकालना आसान नहीं होता, और सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो उसमें हम जब बाइल डक्ट को निकाल देते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि बाइल बनता नहीं है, लेकिन अब बाइल का जो काम होता है वह बाइल या पित्तरस जो होता है, आपको छोटी सी बात ये भी बताते चलूं कि जो पित्तरस बनता है, जो हमारे अंदर की लाल रक्त कणिकाएं अपना 120 दिन पूरा कर लेती हैं, उन्हीं को फिर से लीवर के माध्यम से बाइल के रूप में बाइल डक्ट में इकट्ठा किया जाता है, मृत लाल कोशिकाएं। हम, मुझे लगता है कि वेस्ट मटीरियल का एक सुंदर उदाहरण ये भी है। लेकिन बाइल डक्ट, जहाँ पे बाइल डक्ट में सिर्फ ये होता है कि हम एक अच्छी मात्रा में बाइल जूस इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाइल डक्ट को निकाल देते हैं
तो लीवर से निकलने वाला जो बाइल है वो एक एक बूंद टपकता है। अब जब आप खाना खाते हैं और खाना स्टमक से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर उसे पर्याप्त मात्रा में बाइल रस नहीं मिलता है। अब इस बाइल रस के न मिलने के कारण जो खाना इमल्सीफाई होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, मतलब उदासीन नहीं हो पाता, और यहाँ पर पहली बार आदमी अम्लता का शिकार होता है। जिनके गाल ब्लेडर नहीं होते हैं उनको खाना खाने के बाद, ख़ास तौर से फैट खाने के बाद, दही खाने के बाद, तली भुली चीज़ें खाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, उनको आहार नाल में बहुत ज़्यादा जलन होती है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास वह बाइल जूस नहीं होता है, और या खाना सही ढंग से जब उदासीन नहीं हो पाता है तो आप जानते हैं खाने के पाचन के बीच में जो अमोनिया गैस बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है, और इस यूरिया को निकालने का हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म होता है, लेकिन यूरिन के माध्यम से यूरिया निकलना भी एक मानक स्तर पर होता है। जब यह पूरा यूरिया नहीं निकलता है तो लीवर इसको यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके जो किनारे होते हैं, वाह किनारे होते हैं, उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, उस पर जम जाता है, और उसके कारण हमारी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, हमको ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है, गाउट जैसी समस्याएं हो जाती हैं, और वह इसी कारण से है क्योंकि आपने अपनी अम्लता पर ध्यान नहीं दिया होता है। दूसरा कारण ये भी है कि उस यूरिक एसिड का, एसिड नाम ही है, उस यूरिक एसिड का जिसे शरीर से निकालने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान चाहिए, और जो लोग एसी में रहते हैं वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वह घुलनशील है, लेकिन जब आपने एसी का टेम्परेचर ही 16, 15, 14 रख रखा है तो यूरिक एसिड घुलनशील नहीं रहता, और यही यूरिक एसिड घुलनशील ना होने पाने के कारण आपके शरीर में बहुत सी समस्याएं पैदा कर देता है। आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब आपके शरीर में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज वह है जो तुरंत बनता है, और इस ग्लूकोज को पैंक्रियास से निकलने वाली इंसुलिन पकड़कर शरीर की हर कोशिकाओं में पहुंचाती है जिससे आपको एनर्जी महसूस होती है, लेकिन जो ग्लूकोज यूज़ नहीं होता वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज को अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली तो यह लैक्टिक एसिड बना देता है। यहाँ पर फिर एक दूसरे अम्ल से शरीर पीड़ित होता है जिसे आप लैक्टिक एसिड कहते हैं, और अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में शरीर में उपस्थित है तो आपको लैक्टिक एसिड शरीर में दर्द बहुत पैदा कर देगा। कभी कभी तो बाईं तरफ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ जा रहा है, जबकि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड इसलिए प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि खाने में उन चीज़ों को आप कम खाएं जो मीठे होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि सब्जियों में वह कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में है जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी कर देता है और शरीर से डायरेक्ट निकल भी जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन कार्ब्स के रूप में आप इतनी चीज़ें खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में वैसे रहता है, चीनी के बिना आप सोच ही नहीं पाते हैं, और इन चीनी के कारण आपके शरीर में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लैक्टिक एसिड ही बन जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाते में आपको डकार ज़्यादा आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि चावल, चीनी, आलू आदि स्टार्च युक्त पदार्थ के प्रति आपकी बॉडी रिस्पॉन्स सही नहीं कर रही है, और आपको इन चीज़ों को खाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि यही स्टार्च रेजिस्टेंस होने के कारण आपको इतनी डकारें आती हैं। तो एसिड, जबकि आलू बहुत अच्छी चीज़ भी है, आलू में मैग्नीशियम है, और ख़ास तौर से मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया कि आलू एक ऐसा आहार है जिसमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड बाहर से लिए जाते हैं, 9 एमिनो एसिड हमारे शरीर में बाहर से लिए जाते हैं, और शरीर के अंदर 11 एमिनो एसिड होते हैं, ये 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं,
तो आलू में वह सारे अमीनो एसिड हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है, तो आपको अगर खाना खाने के बाद डकार ज़्यादा आ रही है, देन यू शुड थिंक अबाउट स्टार्च रेजिस्टेंस, कि क्या आपके शरीर में स्टार्च तो ज़्यादा नहीं जा रहा है, और इस अम्लता के कारण आपको यहाँ पर आहार नाल में जलन होती है, डकार बहुत आती है। अगर ऐसी स्थिति है कि आपको लैक्टिक एसिड जब नहीं होगा, लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा बनेगा, तो यह लैक्टिक एसिड की कमी कौन कर सकता है? वह कर सकता है सोडियम या नेट्रम फॉस, NaHPO4 जिसको आप कहते हैं। ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड के माध्यम से शरीर को या शरीर से इस एसिड को बाहर निकालता है। लेकिन अगर आपने इस बात को नहीं समझा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, आपके शरीर में चीनी ज़्यादा जा रही है, तो आपको अम्लता की समस्या हो जाएगी। दूसरी एक जो बहुत बड़ी बात है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेटना चाहिए? क्योंकि यह भी अम्लता की समस्या को पैदा करता है। इसी के साथ साथ अगर आपने खाना समय पर नहीं खाया है, आपका समय इररेगुलर है, तो भी अम्लता की समस्या हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, इसी को मैं अपने इस छोटे से भाग में बताऊंगा। क्योंकि जो हमारी आहार नाल है, या आहार नाल जहां स्टमक पर मिलती है, उस जंक्चर को, इस आहार नाल को हम एसोफेगस कहते हैं। और जहां पर दोनों मिलते हैं, आहार नाल और स्टमक जहां पर मिलते हैं, वहां पर एक नोज़ल होती है। उस नोज़ल को स्पिंक्टर कहते हैं। स्पिंक्टर स्टमक के एसिड को ऊपर की तरफ आने से रोकता है। लेकिन अगर आपने इस बात को महसूस किया होगा कि अगर आप रोज 10 बजे खाना खाते हैं, तो बॉडी की अपनी बायोलॉजिकल वॉच 9:30 बजे से आपके शरीर में एसिड बनाना शुरू कर देगी। आपका जो ब्रेन है, उस बॉट का कमांड लेने लगेगा कि अब हमें भूख लग रही, खाना खाना है। लेकिन अब आप काम में व्यस्त हैं, या कोई आ गया है, या किसी कारणों से आपने खाना नहीं खाया, अब वह जो एसिड बना, तैयार हुआ, उसे उस समय वहाँ खाना नहीं मिला। ऐसे समय में यह एसिड गैस के रूप में उस इंस्पिंक्टर को हिट करता है। और जो इंस्पिंक्टर है, जो नोज़ल है, अगर आप लगातार खाना में अनियमितता रखते हैं, समय से नहीं खाते हैं, जब चाहा तब खाया, तो यह स्पिंक्टर जो नाट लगी हुई है यहाँ पर, जो नोज़ल है, वह प्रभावित होने लगती है और उसमें स्पेस हो जाता है। इस स्पेस हो जाने के कारण, आपके खाने की अनियमितता के कारण और एसिड का सही प्रयोग ना होने के कारण, यह एसिड स्पिंक्टर को क्रॉस करके आपके आहार नाल में पहुँच जाता है। और फिर आपने देखा होगा, कभी कभी आपके पेट में, आपके आहार नाल में बहुत जलन होती है, ऐसा लगता है बिल्कुल सब फूक जाएगा। इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना भी नहीं चाहिए। जब आप लेटते हैं, चूंकि आपने खाना खाया हुआ है, खाना अभी आपके स्टमक में है, उस खाने के वजन के कारण और ग्रेविटनेस फोर्स के कारण ये जो स्पिंक्टर है, ये दबाव के कारण नीचे की तरफ फैलता है, और वह स्पिंक्टर से जो स्पेस मिल जाता है, वह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है कि स्टमक से एसिड आहार नाल की तरफ आ जाता है। और कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा कि लेटने के बाद जब आप उठते हैं, खासतौर से खाना खाने के तुरंत बाद, तो आप देखते हैं कि आपको बहुत जलन हो रही है, आपको अपच की शिकायत हो रही है। तो जब भी आप खाना खाएं, तुरंत लेटे नहीं, थोड़ा सा कम से कम 1,000 कदम ज़रूर घूमें। ऐसा सिर्फ इसलिए कि जो इस आहार नाल और स्टमक के बीच में वो नाब लगी है, जिसे आप स्पिंक्टर कहते हैं, वह ढीली ना हो। खाना आप तय कर लें कि आप अपने समय पर ही खाएंगे। ये हो सकता है कि खाना 10 के बजाय 10:30 पे खा लें, लेकिन ऐसा ना हो कि खाना रोज 10 बजे खाते तो किसी दिन 2 बजे खाया, किसी दिन 4। इसका दुष्परिणाम आपको एसिडिटी से ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए खाने का समय निर्धारित करें। और अगर आपको ऐसा लगता है खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आपने सुना होगा पानी का प्रयोग ज़्यादा करिए। पानी उस एसिडिटी को थोड़ा सा नलीफाई करता है, और जब वह एसिड गैस फॉर्म में परिवर्तित होगा स्टमक में, तो वह स्पिंक्टर पर कम प्रभाव डालेगा।
और आपको अम्लता से बचाएगा। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आप देखते होंगे, आप कहते हैं मेरे पेट पूरा फूका जा रहा है, यहाँ जलन हो रही है। धीरे धीरे यही सब चीज़ें आपके आहार नाल में, छोटी आंत में अल्सर पैदा कर देती है। बाद में वो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अल्सर केवल आंतों पर, आहार नाल के बाह्य झिल्ली पर होने वाला एक घाव है, लेकिन जब पेप्टिक अल्सर होता है तो ये अंदर तक पहुंच जाता है, जहां से फिर खून आने लगता है और स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो खाने का समय निर्धारित करिए। आप खाने में यह देखिए कि आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऐसी जगह बैठें जहाँ ऑक्सीजन हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर आप बहुत ठंडे में रहेंगे तो आपके यूरिक एसिड बढ़ेगा। अगर आपका गाल ब्लेडर निकल गया है तो भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। ऐसी स्थिति में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी फल रस वाले हैं उसमें तो एसिड होता है, लेकिन जितने फल ठोस हैं जिसमें रस नहीं होता है, जैसे पपीता है, अमरूद है, चीकू है, केला है, ये सभी फल जो ठोस होते हैं वह क्षारीय होते हैं। तो अपने खाने में पहली बात तो खाना और फल साथ में मत खाइए, क्योंकि खाना खाने के लिए लीवर को एक प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन फल खाने के लिए लीवर को कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट शरीर में अपना प्रभाव डालता है। इसलिए फल के लिए लीवर का फंक्शन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना खाने के लिए। इसलिए इस फिलॉसफी से थोड़ा दूर जाइए कि फल, आजकल सैलेड के रूप में लोग फल खाने लगे हैं। सैलेड दूसरी चीज़ है, फल दूसरी चीज़ है। फल या तो खाइए या सैलेड खाइए या फिर खाना खाइए, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा, फल में ठोस फल खाइए, क्योंकि जो भी खाना आप खा रहे हैं वह अल्टीमेटली एसिड ही है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए आपके शरीर में क्षार होना चाहिए। आपको मालूम है जिस स्टमक की मैंने आपसे बात किया है, और उस स्टमक में जो स्टमक है उसमें एसिड होता है, तो आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि एसिड अगर इतना ख़तरनाक है तो वह स्टमक को क्षति क्यों नहीं पहुंचाता है। प्राकृतिक चयन ने, प्रकृति ने ऐसी खूबसूरत व्यवस्था करी है कि उस स्टमक की जो आंतरिक वाल है वह म्यूकोजल सेल की बनी होती है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यही वह जगह है जहाँ पर आपको क्षार मिलता है, और वह क्षार म्यूकोजल सेल के कारण इस स्टमक की दीवार को सुरक्षित रखता है, और जो HCl है वह उस दीवार को क्षति नहीं पहुँचा पाता है। लेकिन शरीर के अंदर जब आप इतना एसिड खा रहे हैं तो आपके शरीर में उतना क्षार भी जाना चाहिए। ठोस फल खाइए। इसके अलावा आप खाना खाने में इस बात को ध्यान रखिए कि लौकी ज़रूर हो, पपीता ज़रूर हो, कच्चे पपीते की भी सब्जी बनती, ये सब क्षारीय हैं। लौकी बहुत क्षारीय है, पुदीना क्षारीय है, धनिया क्षारीय है, जिसमें बेस ज़्यादा हो, जिसमें ताकि आपके, आपने देखा होगा जब किसी को जलन होने लगती तो कहते हैं पुदीना हरा खिला दो। आपको सोचना चाहिए वाई पुदीना, मिंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह क्षारीय होता है, धनिया इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह क्षारीय होता है, लौकी इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि वह क्षारीय होता है। जब आप इस बेस और एसिड के बैलेंस को बनाना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या खत्म हो गई। और अगर खाने का क्लॉक आपका सही है, खाना आपने 10 बजे खा लिया, अब अगला खाना आप 2 बजे के बाद खाइए। ये ना सोचिए कि मुंह हमको मिल गया है तो हम जो चाहेंगे डालेंगे। जब आप अपनी गाड़ी में कोई भी तेल नहीं डालते तो मुंह में भी सब कुछ क्यों डाल रहे हैं। वही खाइए जो आपको ज़रूरी है। मुंह में लार भी एक दिन में 1.5 लीटर बनती है, और उस जो टाइलिन है उस टाइलिन को भी आप पान मसाला पान आदि खा के थूकते रहते हैं, ये भी एक समस्या पैदा कर रही है। तो आप अपनी लार को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में ले जाएं। खाना चबाइए खूब। चबाना सिर्फ इसलिए नहीं कि टाइलिन मिलेगा। आपने देखा होगा अगर आपको कभी भी दांत दर्द थोड़ा सा भी होता है तो लगता है ये दिमाग फट जाएगा, इतना ज़्यादा, क्योंकि जो भी ब्रेन के नर्व्स हैं वो दांत से डायरेक्ट जुड़े हैं। जैसे ही खाना दांत से प्रेशर पाता है, दांत के उस प्रेशर का तुरंत
कम्युनिकेशन ब्रेन को मिल जाता है और ब्रेन या कमांड पाता है कि समथिंग इज इन योर माउथ। तो इसलिए भी चबाने की बात कही गई है कि जितना आप दांतों का प्रयोग करेंगे ब्रेन उतना अच्छा कमांड पाएगा, ब्रेन जितना अच्छा कमांड पाएगा उतने अच्छे एंजाइम हार्मोन निकालेगा और आपका खाना पचेगा, इसलिए खाना पचाना चाहिए। इसके अलावा टाइलिन तो है ही है, क्योंकि बाकी सब कुछ काम तो आगे आंतों का जो होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, उसके लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए। वो तभी होगा जब दांतों के माध्यम से आप ब्रेन को यह कमांड देंगे कि हम कुछ खा रहे हैं, और उस खाने के बाद आप वॉल क्लॉक में अपनी हैंड वॉच में देख लें कि हमने खाना कब खाया। अब 4 घंटे कुछ नहीं खाना है, क्योंकि मुंह से मल द्वार तक खाना पहुंचने में 4 घंटा लेता है। तो आप एसिडिटी से या सारी बातें करके बच सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवाएं, जैसा गाल ब्लेडर अगर आप नहीं है तो आपको नेट्रम फास 6x 4 गोली सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। या बायो कॉम्बिनेशन 25 नंबर एसिडिटी की बहुत बेहतरीन दवा मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे खाइए, आपको एसिडिटी की नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, खाने में अनियमितताएँ हैं और जिसके कारण आपका स्पिंक्टर अफेक्टेड हो गया है, मतलब आपका स्टमक का एसिड ऊपर आहार नाल की तरफ जाने लगा है और उसके कारण आपके शरीर में हार्ट संबंधी, लिवर संबंधी, थायराइड संबंधी, किडनी संबंधी, आंते संबंधी सारी समस्याएं पैदा होने लगी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ एसिडिटी, तो द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी इज आयरिस वर्सिकोलर। आप आयरिस वर्सिकोलर मदर टिंचर में लें और उसको 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम लें, कम से कम 1 महीना आप इस समस्या से फुर्सत पा जाएंगे। लेकिन इसके लिए किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी आप बात करें ताकि आप स्वस्थ रहें। मैं यह वीडियो इसलिए ही बनाता हूँ कि इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू कम्युनिकेट द रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू यू, एंड दिस नोशन यू एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने लोग हैं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं और इस सरल भाषा में उस बात को समझना चाहते हैं तो यह समझें कि मुझे एसिडिटी हो क्यों रही है और उस एसिडिटी का उन्हें उपाय पता चले और हम सभी स्वस्थ रहें। हम बेवजह दवाइयों पर पैसा क्यों फूंक रहे हैं, हम क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं? क्योंकि हमने संस्कृति तो बनाई लेकिन उस संस्कृति के पायदानों को हम भूल गए। हमें पता ही नहीं कि कौन चीज़ का उपयोग क्या है और क्यों करना चाहिए। और इसीलिए मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के माध्यम से आपके सामने हूँ ताकि आप सही बात जानें। और अगर आपका मन करे, क्योंकि आप कहेंगे मेरी मर्जी, तो अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें ताकि आप इस बात को प्रूफ कर सकें कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड विदाउट हैविंग दिस वेल्थ यू आर नथिंग। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो आप इसे दूर तक ले जाएं ताकि आप ही नहीं बहुत से लोगों को फ़ायदा हो। और मैं आलोक चांटिया फिर अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ कुछ और बेहतर बातें आपसे कर सकूं। नमस्कार।